हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी जनरेटर। क्या नेम है टॉपिक का? एसी जनरेटर। देखिए बेटा, एसी जनरेटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। आपको पता है ना, जनरेटर से क्या करते हैं, जब जनरेटर रोटेट करता है इंजन से, उसको क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है, तो रोटेशन के टाइम उसमें कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो जनरेटर फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में आई? अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आई। क्लियर है? तो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो उस डिवाइस को बेटा बोला जाता है एसी जनरेटर। क्या बोलेंगे उस डिवाइस को? एसी जनरेटर। क्लियर है? अच्छा, अब इस एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मान लीजिए एक सर्किट है, कोयल है, उस कोयल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है। फैराडे ने बताया था हमें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप लोग पढ़ चुके हो पहले, कि जब भी एक कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस कोयल में कुछ करंट इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई है? किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। तो वही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो इसमें भी एक कोयल लगी होती है जिसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल चेंजेस, जब कोयल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है कोयल के अंदर। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, यानी करंट फ्लो करेगा, और करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन से रूल से करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हेल्प से। क्लियर बेटा? तो ये इसकी डेफिनेशन है, फिर इसके प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। क्लियर है? तो पहले आप एक काम कीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट बेटा। तो एक मिनट, सबसे पहले तो आप बनाएंगे इसका डायग्राम। क्लियर है? अब डायग्राम देखिए, इसके डायग्राम में क्या है, एक हमारे पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और एक है साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट, उसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया है। कोयल का नेम है ए बी सी डी। ये तो क्लियर है, एक कोयल को दो मैग्नेट के बीच में रखा है। अब इन कोयल्स का ये ए बी एंड जो है, ये आपका जुड़ा है रिंग आर वन के साथ। ये देखो, इधर से ये रिंग आर वन से जुड़ा हुआ है, और ये जो सी डी एंड है ये जुड़ा हुआ है आपका रिंग आर टू के साथ। स्लिप रिंग है, ये गोल है, बीच में से खोखली है, होलो है बीच में से, इस तरह से असेंट बीच में से क्या है, होलो। क्लियर? और मेटल की बनी हुई दो रिंग्स हैं, ये रिंग आर वन और ये रिंग आर टू। अब रिंग आर वन जुड़ी है ब्रश बी वन के साथ, रिंग आर टू जुड़ी है ब्रश बी टू के साथ। क्लियर? और आगे एक जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, यहां से हमें मिलेगा आउटपुट करंट। क्या मिलेगा? आउटपुट करंट। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हमने साइड में भी बनाया है, बस वहां पे करंट की डायरेक्शन अलग है, ये ध्यान रखना। इधर देखो, करंट आगे की तरफ जा रहा है, इधर करंट अंदर आ रहा है, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है और ए बी और सी डी की पोजीशन उल्टी हो चुकी है। ए बी यहां था, अब ए बी यहां आ चुका है, सी डी पहले यहां था अब यहां आ चुका है, बस इतना फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बात समझ में आई है? ये है डायग्राम। क्लियर? डायग्राम में तो दो मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में कोयल है, कोयल के अंदर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कॉपर की टर्न लगी हुई है, और इनका कनेक्शन है ये रिंग आर वन आर टू, ये ब्रश बी वन बी टू। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है आर्मेचर। जो एबीसीडी कोयल है आपकी, रेक्टेंगुलर कोयल, इसको बोला जाता है आर्मेचर कोयल।
क्लियर है। इसके अंदर बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि किससे बनी हुई हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई हैं। और ये जो कॉइल है ये रोटेट कर सकती है अपने एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा सकती है, रोटेट कर सकती है। ये बात समझ में आई। फिर आती है फील्ड मैग्नेट। ये एन और एस क्या है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इधर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। जब भी कोइल रोटेट करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कोइल के अंदर, ओके। फिर आती है स्लिप रिंग। ये जो स्लिप रिंग है, एक रिंग है R1 और एक है R2, ये होलो है, बीच में से खोखली है ये, ठीक है। मेटल की बनी हुई है ये स्लिप रिंग, और जैसे आपकी कॉइल घूमती है रोटेट करती है तो ये रिंग्स भी साथ में घूमती हैं रोटेट करती हैं। जैसे एबीसीडी कॉइल रोटेट करेगी, रिंग आर वन आर टू भी रोटेट करेंगे। क्लियर है बेटा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर आते हैं आपके ब्रश। यहां एक ब्रश बी वन, एक ब्रश बी टू। ये दोनों ब्रश किस चीज से बने हैं, मेटल के बने होते हैं या कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होंगे ये ब्रश B1 और B2, या तो मेटल के या कार्बन के। किससे जुड़े हुए हैं, B1 R1 से जुड़ा हुआ है, B2 R2 से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़े हुए हैं, ताकि जो करंट बनेगा जो यहां पर कॉइल के अंदर, वो उस करंट को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेके आ सके। बात समझ में आई है। करंट को कोइल से यहां तक लेके आने में, आउटपुट में लेके आने के लिए हमें इन ब्रश की हेल्प की जरूरत है। बात समझ में आई है बेटा। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके कंस्ट्रक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर। क्लियर है। तो देखिए, एसी जनरेटर की वर्किंग को समझने के लिए आप पहले फिगर ए को समझिए यहां पर। क्लियर है। तो फिगर ए में आप चेक कर सकते हो कि जब मान लीजिए फिगर ए के अकॉर्डिंगली अगर ए बी को बाहर की ओर मूव करवाया जाए, ये इसको रोटेट करवाते हैं, इस तरह से रोटेट करवाएंगे कि ए बी बाहर की तरफ और सी डी जो है वो अंदर की तरफ। ए बी बाहर आ रहा है तो सी डी अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है। जो ए बी है अपना, देखिए कुछ ऐसे है, ये साइड ए बी है, ये साइड आपकी ए बी और ये साइड सी डी। अगर ए बी बाहर जाएगा तो सी डी अंदर, ये ए बी बाहर जा रहा है तो ये सी डी वाली साइड अंदर जा रही है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ए बी आपका बाहर की तरफ आ रहा है और सी डी अंदर की तरफ जा रहा है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन निकालिए। देखिए F B I, F यानी फोर्स, B यानी फोर्स यानी कि मोशन, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, I यानी करंट। अब बाहर की तरफ इस साइड लग रहा है ना इसके ऊपर फोर्स, तो ये तो हो गया फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आपका। तो करंट कहां होगा, अपवर्ड A टू B। करंट कहां जा रहा है, ए टू बी। तो इसका मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट ए से बी जाएगा और घूम के यहां से सी से डी में आएगा। बात समझ में आई है ना, ए से बी सी से डी। अब ए से बी सी से डी नीचे आ रहा है तो सी डी का लिंक है रिंग आर टू के साथ, इसका लिंक आर टू के साथ, तो ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसमें यानी कि अंदर की तरफ हो गया करंट। ये हमें आउटपुट में, यहां एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहां से हमें आउटपुट में करंट मिल जाएगा। बात समझ में आई। अब इसने अब क्या किया, अपना आधा चक्कर पूरा कर लिया। देखिए पहले तो यहां ए बी था और यहां सी डी था, तो जैसे इसने अपना आधा चक्कर पूरा कर लिया, देखिए यहां ए बी है, ये ए बी घूम के दूसरी तरफ चला गया, इधर आ गया, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद ए बी आपका यहां आ गया और सी डी आपका यहां पर आ गया। अब पोजीशन इनकी बदल चुकी है, ए बी यहां आ चुका है, सी डी यहां आ चुका है, लेकिन कोइल तो उसी तरीके से घूमते जा रही है ना, पहले यहां ए बी था, ये ऐसे गया, ए बी बाहर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे आया, अब ए बी यहां है तो अब इसको अंदर की तरफ जाना है, ए बी को कुछ इस तरीके से घूमेगा, यानी ए बी अब पहले तो बाहर की तरफ आया, अब ए बी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आधा रोटेशन पूरा हो गया, यहां से ए बी ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, इधर आ गया बेबी।
अब इसको ए बी को साइड को अब फिर अंदर की तरफ घूमना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का आप यूज करोगे तो अब की बार जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो बी टू ए आएगी। पहले थी ए से बी, अब बी से ए। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का आप यूज करके निकाल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन बी से ए और यहां डी से सी, पहले सी से डी थी। तो यानी कि आधे रोटेशन के बाद आपने क्या पाया कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो इसी तरह से हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदलती रहेगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि हमें जो करंट मिला है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है बेटा? आधे रोटेशन के बाद यहां पर ये लिख लो फिगर बी में क्या है, ये आफ्टर द हाफ रोटेशन। तो आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो अल्टरनेटिंग करंट वही तो है जिसमें लगातार डायरेक्शन बदलती रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में और आगे, ये तो सिंपल थियोरेटिकल वर्किंग थी, अभी आगे इसका मैथमेटिकल भी करते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, समझते हैं हम। मान लीजिए जब टाइम जीरो था, जस्ट सपोज करो कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो क्या था कि जो हमारी कॉइल है वो परपेंडिकुलर रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रहा है और कॉइल अपनी कुछ ऐसे है, कॉइल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है उसमें से। क्लियर है? ये अपनी कॉइल रखी है, इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें गुजर रही है जैसे मैंने यहां पर दिखाया। क्लियर? तो जो कॉइल का एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर। क्लियर है? परपेंडिकुलरली। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं किसके अंदर से, कॉइल के अंदर से। मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें देखिए, ये ऐसे कॉइल है और यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसमें से गुजरती जा रही हैं। क्लियर? तो जो कॉइल के साथ नॉर्मल है यानी कि उसका एरिया वेक्टर, कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो कॉइल के नॉर्मल वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने कितना एंगल बनाया, जीरो। देखो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना, जीरो। क्लियर? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो यहां पर बेटा अपना थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। थीटा ध्यान रखना यहां पर क्या, ये मत सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कोइल में से परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं तो एंगल 90 ले लोगे आप। नहीं, मैं एंगल थीटा किसको मान रहा हूं, एरिया वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच के एंगल को, वो एंगल कितना है, जीरो है। बात समझ में आई? तो आफ्टर टाइम टी मान लीजिए कोइल के अंदर रोटेशन आ गई बाय सम एंगल थीटा, कोइल पहले ऐसे थी अब ऐसे की बजाय ये थोड़ी ऐसे चली गई, ये ऐसे आ गई, एंगल हो गया थीटा। अब एरिया वेक्टर भी इधर चला गया ना, परपेंडिकुलर इधर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने जो एंगल बनाया वो कितना है, थीटा है। क्लियर? और जो इसमें रोटेशन आई कोइल के अंदर वो है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, एंगल बाय टाइम थीटा बाय टी। क्लियर? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ये होता है। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ओमेगा इंटू टी। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ओमेगा इंटू टी। अब देखिए आप, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, क्या होता है, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। क्लियर? लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न कोइल के अंदर कितनी है, एन। तो यहां हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एन को एज इट इज रखा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कोस थीटा। अब थीटा की जगह हमने पुट कर दिया ओमेगा टी, एन बी ए कोस ओमेगा टी। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ये आ चुका है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल, कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है वो ये आ गया फॉर्मूला। अब क्योंकि कोइल लगातार रोटेट कर रही है, रोटेशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर है? और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होती है, और फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाय डीटी, ये तो आप ऑलरेडी पता है। तो ई को मैंने यहां पर एज इट इज रख दिया, माइनस डी बाय डीटी
फ्लक्स की वैल्यू रख दो एम बी ए कोस ओमेगा टी, एम बी ए कोस ओमेगा टी। बात समझ में आई? अब देखिए बेटा, यहां पर माइनस एन बी ए, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, तो केवल और केवल हमने जो डिफरेंशिएशन लेना है वो किसका करना है, कोस ओमेगा टी का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब माइनस एन बी ए ये हमने बाहर लिख दिया, माइनस एन बी ए, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये वैल्यू आपकी प्लस में आ गई, एन बी ए एन बी ए, ओमेगा बाहर, अंदर बचा साइन ओमेगा टी, तो ये आ गई बेटा जी आपके पास ई एम एफ की वैल्यू। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, जो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है हमारे पास उसका फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको यहां तक नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नोट करो जल्दी से। तो ठीक है, नोट कर लिया, तो चलो मैं इसको अब यहां से रब कर देता हूं। तो अब देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आया, हेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज वन, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वन। देयरफॉर जो हमारी ईएमएफ है वो भी जब ये होगा वन के बराबर होगा तब हमारी ईएमएफ जो की वैल्यू, ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको हम ई नोट से भी डिनोट कर सकते हैं। किसे डिनोट कर दिया, ई नोट से, और फॉर्मूला बन गया उसका एन बी ए, एन बी ए ओमेगा। क्लियर? साइन ओमेगा टी तो आपका वन हो गया। तो इसका मतलब सो ये इक्वेशन वन थी और ये इक्वेशन टू, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन एंड द टू आपकी E की वैल्यू बराबर है एन बी ए ओमेगा की जगह E नोट, एन बी ए ओमेगा इसकी जगह बेटा जी E नोट, यहां पर आपका आ जाएगा साइन ओमेगा T। यह आ चुका बेटा आपके पास ई एम एफ का फॉर्मूला। कितनी आई ई एम एफ हमारे पास, E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा T। क्लियर है? समझ में आया? तो अब देखिए, अगर ये तो आ चुका है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर आपको करंट निकालना हो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, यानी कि ई की वैल्यू रखो ई नोट साइन ओमेगा टी आर, तो आई इज इक्वल्स टू द आई नोट, ई नोट बाय आर की जगह आई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये आ चुका है हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। तो बताइए बेटा आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हो चुका है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ प्लॉट कीजिए किसके बीच में, ईएमएफ या फिर करंट, ठीक है, स्मॉल ई लिख लो या कैपिटल ई लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा टाइम एक्सिस टाइम के साथ, तो हमारे पास साइन वेव कुछ, ये साइन के फॉर्म में है ना, तो साइन वेव कुछ इस तरीके से आती है।
क्लियर है। तो ये जो वैल्यू होगी, एक मिनट, ई या फिर आई, यहां पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ये आपकी ई नोट के बराबर होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नोट या फिर आई नोट बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। अब एक वेव जहां पे कंप्लीट हुई वहां पे टाइम पीरियड कितना होता है, टी। तो यहां पे टाइम पीरियड कितना रहा होगा, टी बाय टू, और यहां पर टी बाय फोर। क्लियर, और यहां पे थ्री टी बाय फोर। तो बेटा समझ में आई बात आपको, ईएम यहां पर टाइम के साथ साथ ई या करंट दोनों ही वेरी कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है। यहां पर अगर मैं एंगल की टर्म में बात करूं तो यहां एंगल होगा पाई बाय टू, और यहां पर पाई, और यहां पर टू पाई, यहां थ्री पाई बाय टू। थीटा की अगर बात की जाए, थीटा की टर्म में, ठीक है, अगर थीटा की टर्म में हो तो ये, अगर टाइम हो एक्स एक्सिस पे तो ये लिखना है। तो बस ये बन गया आपका ग्राफ फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट है आपका। क्लियर, तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है बेटा, हमारा एसी जनरेटर टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक के साथ। क्लियर है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।